हाँ मैं अंजलि का मजाक उड़ा सकता हूँ, और मैं इसलिए उड़ा सकता हूँ क्योंकि मैं उसको बेहतर तरीके से जानता हूँ। रिसेंटली मुनव्वर फारूकी ने एक इंटरव्यू दिया है दोस्तों, और वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बवाल मचा रहा है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो इंटरव्यू लोग मान रहे हैं अंजलि फैंस की, यही वजह है कि मुंजली फैंस जो हैं वो टूट चुके हैं, यही वजह है कि मुंजली जो है अब एक साथ नहीं है। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूं आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि अंजलि और मुनव्वर जो है वो जैसे ही लॉकअप खत्म हुआ उसके बाद वो आपस में ज़्यादा मिंगल अप होते हुए नहीं नजर आए हैं, ना ही लॉकअप की सक्सेस पार्टी में, ना ही उसके बाद। और अब अगर बात की जाए, आलम यह है कि अंजलि बैठी हुई है दिल्ली में और मुनव्वर बैठे हुए हैं मुंबई में। दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव लाइफ में खुश हैं, लेकिन दोस्तों उनके फैंस यानी कि मुनंजलि फैंस बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि कोई ना किसी के बारे में जिक्र कर रहा है, ना किसी से कोई बात कर रहा है, ना कोई शेयर कर रहा है चीज़ें, और जिसके चलते बहुत ज़्यादा लोग जो हैं सोच रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्या। दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली मुनव्वर के एक सेंटेंस की, जो कि काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा रहा है। रिसेंटली एक बड़े यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हैं मुनव्वर, जिसमें कि उनसे पूछा जाता है कि आप अंजलि का मजाक बनाते थे, बार बार बनाते थे, क्यों ऐसा? जिस पर वो बोलते हैं साफ कि मैं अंजलि का मजाक बना सकता हूँ क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग हो चुकी थी, हम दोनों के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, दैट इज़ फेयर इनफ। बट यही चीज़ मुनंजलि फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आई है, और मुनंजलि फैंस इसी बात को रीज़न बता रहे हैं कि इसी वजह से जो है मुनंजलि जो है टूट रहा है, क्योंकि मुनव्वर अब बाहर आने के बाद भी अंजलि के बारे में जो है इस तरीके की बातें बोल रहा है। अंजलि ने कुछ भी बात नहीं बोली मुनव्वर के बारे में, जिसके चलते अंजलि फैंस यही बात कह रहे हैं कि मुनव्वर क्यों बोल रहा है बार बार ऐसी बातें। खैर वैसे आपको क्या है कहना दोस्तों इस बारे में ज़रूर बताएं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एंड आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दिस। जो बात चल रही है सोशल मीडिया पे वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या है कहना।